कट जाने का टाइम हो गया। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसका जाने वाली है ससुराल। हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 90 ब्लॉग 90। तो भाई साहब आज 90 ब्लॉग कंप्लीट हो गया, ओनली 10 ब्लॉग लेफ्ट, ओनली 10 ब्लॉग रह गया। मजा आने वाला है भाई, 10 ब्लॉग ओनली रह गया है। तो पता नहीं चला इतना जल्दी कैसे दिन बीत चुका है। तो जो भी हो, और आज लास्ट है घर पे ब्लॉगिंग, ठीक है। आज का ये वीडियो जो देख रहे हो ये लास्ट ब्लॉग है, मैं घर पे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। वैसे सुबह इंट्रो ले रहा हूँ घर पे, कल से आपको ऐसा ब्लॉग्स देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आज ये हमारे घर से जाने वाली है ससुराल। तो अभी तो इसके साथ और ब्लॉगिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा एंड घर पे भी नहीं मिलेगा। एंड अभी इसके चैनल पे इसके ब्लॉग्स मिलेगा, पता नहीं मिलेगा भी नहीं, ये जानती है मुझे तो पता नहीं। तो देखना आप भी। और आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, घर पे तो इतना ब्लॉगिंग होगा ही नहीं। अब फिर से वही घिसा पिटा ब्लॉग्स देखने को मिलेगा। मैं बोलता हूँ घिसा पिटा, लेकिन आप लोगों को तो ऐसा ब्लॉग ही अच्छा लगता है ना। तो फाइनली जाके वीडियो मैंने कर दिया पब्लिश नहीं, शेड्यूल कर दिया, वीडियो अपलोड हो गया खत्म। एंड थंबनेल वगैरह भी मैंने लगा दिया है। भी काम है हमारा जो आज का ब्लॉग है तो उसको शूट करना। एंड दीदी बग बैच जाने वाला है तो उसके ससुराल, अच्छा नहीं लग रहा है अभी। ये जाने वाली है उसके ससुराल, उसका जाने का टाइम हो गया। एंड आपको आप लोग लास्ट बार मुझको लास्ट नहीं मतलब अभी कुछ दिनों के लिए तो लास्ट मेरे ब्लॉग्स पे इसको देख लो, तो एक बार सब लोगों को बाय बोल दे। मैं सब लोगों को क्या बोलूँ, बाय तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि अब तो रहने की कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरे भाई को आपको सपोर्ट करना, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है लेकिन उसने मुझे बहुत सताया, बहुत मैं क्या बोलूँ मुझे बहुत सताया कि जो भी हो मैं उसे बहुत मिस करूँगी क्योंकि वो बहुत प्यारा है मेरे भाई, बचपन से आज तक वो मेरे साथ ही बड़ा हुआ है। तो मेरे जान से भी मैं बहुत ज़्यादा उसे प्यार करती हूँ। और मैं क्या कहूँ, उसे सपोर्ट करना और उसका थोड़ा थोड़ा गलती भी मुझे बताते रहना। और क्या है ना, उसके चैनल को भी आप लोग जाके सपोर्ट करना। और उसने आज ब्लॉग बनाया, ठीक है। तो पता नहीं अपलोड करेगी भी नहीं, अपलोड करूंगी लेकिन कुछ खास तो, नहीं हुआ जितना भी हुआ। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो आज उसके मतलब इधर से निकलने के बाद वो जो रोड का ब्लॉग बनाएगी और घर पे जाके जो बनाएगी, तो आज का तो एक्साइटेड हुई लेकिन कल का ब्लॉग जो अपकमिंग डेज के लिए ब्लॉग है ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो क्या करने वाली है, ठीक है। क्योंकि इधर से कुछ सीख गई है वो, और उसको उतना परफेक्टली आता नहीं, जितना भी आता है वो कोशिश कर रही है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसका ब्लॉग्स देखने के लिए। तो थोड़ा बहुत तो मैंने इसको एडिट सिखाया है एंड उसको और ज़्यादा सीखना है। तो धीरे धीरे मतलब सॉफ्टवेयर का यूज़ करते गए थे उसको खुद से ही पता चल जाएगा कैसा कुछ करना है। तो उसको भी सपोर्ट करना, एंड अच्छा नहीं लग रहा है वो चली जाएगी और ये सब। और अभी तो इसके साथ ब्लॉग्स कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ महीने नहीं, सिर्फ दो महीने बाद मैं फिर आऊँगी ना। हाँ, 2 महीने बाद आने वाले, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। भाई तो घर पे जा चुका है और अभी मैं हूँ डीएसए पे, थोड़ा आया था ऐसा घूमने के लिए क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है मैं और पिलू। और अभी फिर से हमारा पुराना वाला घिसा पिटा ब्लॉग शुरू हो जाएगा। पिलू के घर से स्टार्ट होता है और पिलू के घर के पास ही ख़त्म, नहीं तो पेट्रोल पंप पे ऐसा ही कुछ। तो ऐसा अभी फिर से चलता रहेगा और बहुत ही जल्द आने वाला है गोप्रो, तो वेट करते रहो। ये देखो डीएसए, कुछ डीएसए का सिनेमेटिक सीन्स एंजॉय कीजिए आप लोग। आपको सिनेमेटिक कैसा लगा बताना कैसा? और क्या है ना देखो, मैं मतलब अभी इधर मैंने ज़्यादा बकबक किया नहीं, शूट नहीं किया ऐसे ही वाले मौसम में, एंड फ़ोन का चार्ज खत्म हो गया था, ठीक है, इसीलिए। एंड क्या है ना, आज से आपको यहाँ पर ब्लॉग देखने को मिलेगा फिर से हमारा पुराना वाला ब्लॉग्स। तो जो भी हो, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।